सब जानते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में कुंभ पर्व चल रहा है और कुंभ का मेला लगा हुआ है। यह मेला अपने आप में एक अनोखा मेला होता है। सारे विश्व में कई प्रकार के मेले लगते हैं, जिसमें व्यापारिक आदि मेले भी लगते हैं, परंतु आध्यात्म का इतना बड़ा मेला और इतना बड़ा जनसमुदाय इस भारत को छोड़कर और कहीं एकत्रित नहीं होता है। ये भारत की अपनी एक अनोखी विशेषता है। इस मेले से यह पता चलता है कि चाहे यह युग कितना ही वैज्ञानिक दृष्टि से आगे बढ़ गया हो, परंतु धर्म अपनी जगह पर लोगों के हृदय में स्थान बनाए हुए हैं। और हम लोग शाही स्नान में गए, निर्मोही अखाड़े में हम जाते हैं, हमने देखा कि कहां कहां से लोग आए हैं। लोगों की जो आस्था देखने को मिली, इससे यह निश्चित होता है कि इस देश के धर्म की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी हैं कि इस देश को कोई उसमें से निकाल नहीं सकता है। हमारे देश पर कई प्रकार के आक्रमण हुए हैं, हमारे धर्म पर कई प्रकार के आक्रमण हुए हैं, लेकिन आज भी लोगों के हृदय में जो धर्म की आस्था है वो बनी हुई है। हमारे भारत देश की यह जो विशेषता है, यह विशेषता अपने आप में एक अनोखी है। यह भारत देश धर्म प्राण देश है। यहाँ के कण कण में धर्म का स्पंदन है और वो कुंभ के अवसर पर देखने को मिला है। खास करके आवश्यकता यह है कि हम अपने भारत देश की इस अस्मिता और गौरव को फिर से अपने हृदय में धारण करें। हम स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ जो संगम है, ये त्रिवेणी संगम जो है मात्र नदियों का संगम नहीं है। इस संगम ने तो विविध भाषा, विविध प्रांत और विविध साधना प्रणाली, अनेक विध जो प्रकार हैं, अनेक विधता है, वो सारी विविधताओं का यहाँ संगम दिखाया है। त्रिवेणी संगम में हम स्नान करते हैं, उसी के साथ यहाँ पर अनेक विध जो अनेक प्रकार की जो विविधता है, विविधता में विविध प्रकार, और ऐसी विविधता में भी यहाँ की जनता, यहाँ जनता आकर के स्नान करती है और परस्पर विविधता में भी, अनेकता में भी एकात्मता का अनुभव करती है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। और हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, सर्वजन हिताय सर्व लोक हिताय की जो भावना है, वो भावना यहाँ पर धर्म के माध्यम से यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। ऐसे अवसर पर हम लोगों को केवल स्नान करके अपने घर नहीं चला जाना चाहिए, परंतु अपने अंतःकरण को भी यहाँ पर भक्ति की सरिता में स्नान कराना चाहिए। भगवान की भक्ति और भगवान की शरणागति ही सर्वोपरि है। भगवान की भक्ति और शरणागति से हमारे हृदय को हमें सराबोर करना चाहिए। भगवान की भक्ति की जो सरिता है उसमें अपने आप को स्नान करना कराना चाहिए। हमारे सूरदास जी जैसे भगवतियों ने बड़ा सुंदर गाया है, प्रेम के सिंधु को मर्म जान्यो नहीं, सूर कहे कहा भयो देह बोरे। तो केवल शरीर को डुबकी लगाने से मतलब नहीं है, पर हमारे अंतःकरण को भगवान की भक्ति सरिता में आप्लावित करना है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सबको यथाधिकार अपनी चरणारविंद की भक्ति में आप्लावित करें और भक्ति से आप्लावित करके सबको कृतार्थ करें। हम इस कुंभ मेले के अवसर पर समस्त विश्व के लिए हम मंगल कामना करते हैं। हमारे यहाँ की जो भावना है, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को दुख न हो, सभी लोग कल्याण को प्राप्त करें, ये जो भावना है, ये भावना के अनुसार सभी का जीवन बने। यह भारत देश आदिकाल से विश्वगुरु का स्थान इसने प्राप्त किया हुआ है। हमारे यहाँ पर इसीलिए कहा है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्ये पृथिव्यां सर्वमानवाः। आदिकाल से इस धरातल पर समस्त मानव जनता को मार्गदर्शक यह भारत देश रहा है। इस देश में प्रसूत जो अग्रजन्माएं हैं,
उन लोगों ने सारे विश्व को प्राचीन काल से मार्गदर्शन दिया है, आत्मकल्याण और आत्मोद्धार की दिशा दिखाई है। तो ये जो भारत का जो स्थान है वो आज भी अक्षुण्ण है, और इसीलिए आज भी देश विदेश के लोग भी भारत की आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह भारतवर्ष की अपने आप की विशेषता है। ऐसे भारत के लिए हमको गर्व होना चाहिए, हमारे स्वधर्म के लिए हमको गर्व होना चाहिए, और उस गर्व के अनुसार हमें सदा धर्म की और राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। यह भावना हम में जगे, इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं।